नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह सुबह आए हैं हम खेत में और यहाँ आप लोगों को दो सब्जी बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो साधना दीदी, जय माता दी, सभी दोस्तों को उन्होंने कमेंट किया था, उनको बोलती रहती हैं। देखिए यहाँ पे खीरा टूट रहा है, भैया जी तोड़ रहे हैं अपने बेटे को लेकर। चलिए हम दूसरे खेत में चलेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ताज़े ताज़े खीरे टूट रहे हैं, तभी इसका भी दोस्तों आप लोग को रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे पास आ गए हैं, आप लोगों को इतनी अच्छा दिखाएंगे दोस्तों कि आप लोगों को मन एकदम खुश हो जाएगा। तो बहुत दूर दूर तक लगा हुआ है और ये पास से देखिए आप लोगों को बोड़ा का है, बजरपट्टू जिसे कहते हैं, क्या पौधा है। तो बजरपट्टू लाइन लाइन से लगा गया है, तो देखिए बहुत ही अच्छे से लटक लटक का फरा हुआ है, ये एकदम हरा हरा है। आप लोगों को अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा पर बहुत ज़्यादा फरा हुआ है देखिए। तो अभी दोस्तों भैया लोग भी आएंगे तोड़ने और अभी हम तोड़ रहे हैं, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा। तो अब हम बजरपट्टू को तोड़ेंगे, जो पतला रहेगा उसे छोड़ देंगे और जो मोटा मोटा रहेगा उसे हम तोड़ेंगे। तोड़ने के उसके बाद दिखाते हैं, ये देखिए एकदम बहुत लंबा लंबा और बहुत ही हरा और ज़्यादा बीज भी नहीं इसके टाइट है, क्योंकि वही काफ़ी बड़ा होगा ये, अभी तो ऐसे ही तोड़ा जाएगा। तो बजरपट्टू बहुत ही अच्छा फरा हुआ है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा दोस्तों आप लोगों को खरीदान दिखाते रहेंगे। तो आप लोग तो अभी ढेर सारा टूटेगा, तो अभी हम यहाँ पे एक दो घंटे रहेंगे, जब भैया लोग तोड़ लेंगे आप लोगों को अच्छे टूट जाएगा तब नहीं जाएंगे। तो एकदम ऊपर ऊपर तक देखिए लगा गया है सरपत का, उससे चट तो फरा हुआ है। देखिए इतना तो बहुत ही ज़्यादा सब्जी हो जाएगा, देखिए इतना क्योंकि लंबा लंबा है। तो चलिए इसे डलाई में हम रखेंगे, इतना घास तोड़ लिया हुआ है। तो बहुत दूर दूर तक दोस्तों लाइन लाइन से बोया गया है और ये सरपत का है, उसी पर चढ़ाया गया है, बांस पास सब कुछ लगा हुआ है। जो ये छोटा छोटा अभी है ये देखिए परसों टूटेगा, एक दिन अतरा देके सब्जी को टूटता है चाहे जो सब्जी हो। सब्जी तोड़ने आते हैं दोस्तों, ज़्यादा मन लगता है हमारा, क्योंकि भैया लोग सब लोग यहाँ पे तोड़ते रहते हैं। तो बोड़े में दो फूल देखे पहले से लगा हुआ है, अभी ये झरा नहीं है, देखिए जो हमने तोड़ा हुआ है उसमें भी है और घोपे घोपे दार दोस्तों देखिए इसे फरता है, ये सब तैयार हो गया, इसे साथ में तोड़ लेते हैं हम। देखिए ये भी तैयार हो गया है और ये भी घोपा घोपा है सब। तो बजरपट्टू का फूल बैगनी और सफ़ेद दोनों मिक्स रहता है, देखिए इधर निकल रहा है, उधर खिला हुआ है और इधर तैयार हो चुका है। बहुत ही आराम से तोड़ रहे हैं, तब भी देखिए इतना ज़्यादा हमने तोड़ लिया हुआ है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वाला फूल देखिए आप लोग पास से, बहुत ही अच्छे से खुला हुआ है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो बजरपट्टू जैसे भिंडी होता है दोस्तों वैसे बजरपट्टू भी होता है, तो ऐसे हल्का सा हम लोग पोस कर खेत में जाते हैं तो खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। तो खेत में आते हैं तो बहुत हमारा मन लगता है, तो आप लोग को हर वीडियो में बताते हैं, तोड़ने में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। अब इधर चढ़ा नहीं गया है तो ज़मीन पे है, ये भी बहुत ही अच्छे से फरा हुआ है, इधर बैठने के बाद एकदम ज़मीन से दोस्तों फरा हुआ है, बैठ कर भी अच्छे से मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। आइए देखिए इसे हम तोड़ेंगे, ढेर सारा है इसीलिए तोड़ रहे हैं कि और भैया लेंगे और जितना मुझे ज़रूरत है उतना देर देंगे। तो भैया लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट करेंगे और 7 बज गया है, हम घर पे चलेंगे, अभी खाना वाना बनाएंगे, लेट हो जाएगा, चलिए अब चलेंगे घर पे। तब जा तो खीरा तोड़ के भैया आ गए हैं और हम कह रहे वजन करने के, इनका समय नहीं है, थोड़ा अंदाज कर चलेंगे। बना तू नहीं का परोसी खिला दो, बनाए बनाए चलिए, इतना खीरा रोज रकम रकम सब्जी तो बनाओ, जत जत है ना। हाँ हो, हाँ तो परोसी खिया हुआ करे ना।
किया जाए तो काम पूरा खत्म कर देवे। हम जिचकी में ले को लगा लेते हैं, दो जिचकी हमने लिया हुआ है। चूल्हे के पास इन्हें लकड़ी को रख लेते हैं ऊपरी को, तो बोड़ा की लेकर आएगी तो देखिए पन्नी में मैंने रख दिया हुआ था, तो चले इसे अच्छे से सरिया लेते हैं। तो अच्छे से सरिया लिया है, उसे हम दो पानी अच्छे से धोएंगे। जो पानी दोस्तों एक्स्ट्रा बचता है, देखिए हमने यहाँ पे पौधा लगा हुआ है इसे भी डाल देते हैं, बहुत ढेर सारे पौधे हैं उसमें हम डालते हैं, फेंकते नहीं पानी। तो पहले दाल चावल डाल देते हैं, पकता रहेगा, उसके बाद हम सब्जी की तैयारी करेंगे। तो दाल चावल को अच्छे से धो लेते हैं। तो दाल चावल को अच्छे से हमने धो लिया है, अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे, थोड़ा सा ही फूलता रहेगा। दोनों चूल्हे में लकड़ियों को हमने रख दिया हुआ है, अब हम आग को जलाएंगे। पहले इसमें जला लेते हैं, चूल्हे में हमने आग को अच्छे जला लिया, इसमें भी जला लेते हैं। देखिए थोड़ा सा पतली लकड़ी रहती है, बहुत जल्दी जलता है आग। तो बड़ी वाली जचकी में हम दाल बनाएंगे, तो इसमें हम दाल को डाल देते हैं, और छोटी वाली में चावल इसमें डाल देते हैं। अब दोनों में डालेंगे पानी हम, अब हम दोनों चूल्हे जचकी को रख देते हैं पकने, एक से रख देते हैं चावल और इसे रख देते हैं दाल। तो जचकी थोड़ा सा गिर रहा था, ढक्कन हमने लगा दिया है, अब दोनों में हम लगा देंगे ढक्कन और इसे पकने देंगे। अब हम सब्जी काटेंगे, तो बोड़े को इस तरह थोड़ा थोड़ा हमने काट दिया हुआ है, अब इसे हम काट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटेंगे, एकदम छोटा नहीं काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो सूखी सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ऐसे ही हम सारी सब्जियों को काट लेते हैं। तुरंत चावल हमारा उबाल मार दिया है, तो उसे हटा देते हैं दाल। तो बोड़े के काटने के बाद से हम आलू के अब छिलके उतार लेते हैं। तो अब हम प्याज और लहसुन के छिलके उतार लेते हैं। इधर हमारा चावल भी उबलना स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए। आज को हमने बहुत ज्यादा तेज नहीं रखा हुआ है, देखिए चावल हमारा बहुत जल्द पकने वाला है। और इधर आप लोग दाल भी देख लीजिए, सभी सब्जियों को अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद स्टालिंग रखेंगे। तो अब हम आलू को काट लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा काटेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो सूखा सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा सा पानी नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा पतला रख रहे हैं आलू को। तो दहोद वाले दीदी ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है कि दीदी आप जब सब्जी ताज़ी लेती हैं तो उसमें तौल और रेट और सब कुछ दिखा दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। तो ढेर सारा उसमें लाइक भी आया हुआ है। तो ठीक है दीदी, जब मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। वहाँ पे तो हम सब लोग तौल भाग सब कुछ करके तभी देते हैं, कभी कभी अंदाज कर भी दे देते हैं। तो इधर हम आप प्याज को काटेंगे। तो चावल हमारा पक गया, इसे उतार देते हैं और इस चूल्हे पर रखेंगे हम कढ़ाई, इसे अच्छे से हम गर्म होने देते हैं। अब हम टमाटर को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। तो गीता देन ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है खिचड़ी, दोस्त जो हमने दलिया वाली खिचड़ी दोस्तों ढेर सारा बनाया था, तो आप लोग को ढेर सारा कमेंट आया हुआ है कि बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें अगर मूंग की दाल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हाँ ठीक है दीदी, उसमें हम डालकर बनाएंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो दाल हमारा देखिए पक चुका है, तो इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो देखिए खटाई बना कर रखा हुआ, इसे खटाई को डाल देते हैं। ये खटाई डालेंगे और अच्छे से हो जाएगा ये पीला और मसालेदार। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम डाल देंगे पानी। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम सरसों का तेल को डाल देते हैं। तो अब डाल देते हैं जीरा, इसे अच्छे से चिटकने देते हैं। तो जीरा हमारा चिटक चुका है, इसमें हम मिर्चा और प्याज को डाल देते हैं तड़का। अब इसे हमने लहसुन को डाल देते हैं ऐसे ही, और साथ में हल्का सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे।
तो प्याज हल्का सा पक गया है, देखिए पानी सूख गया है इसमें से। अब हम डाल देंगे आलू को, तो आलू को भी हल्का सा भून लेते हैं पहले। तो आलू को हल्का सा हमने भून लिया हुआ है, अब हम डाल देंगे इसमें बोड़ा। बोड़े को डालकर अच्छे से मिला देते हैं। तो इसे चलाने के बाद हल्का सा आंच को हम कम करेंगे। तो कुछ टाइम के लिए हमने इसे ढक दिया हुआ था, चला देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो धनिया पाउडर को हम डाल देते हैं, और हल्दी पाउडर, और ये हल्का सा गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर तो ऊपर से डाल रहे हैं, और टमाटर के जो पानी छोड़ता है उसी से अच्छे से पकेगा, क्योंकि आलू देखिए ढेर सारा है, ढेर सारा बीन्स है, और बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अब इसे हम ढक देंगे। बहुत ही अच्छी दोस्तों सब्जी लग रही है, ये देखिए खाने में भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें हम ढक देंगे, धीमी आंच में पकाएंगे। तो बीच बीच में सब्जी को हम चलाते रहेंगे। तो टमाटर काफ़ी गल गया है, तो आलू पकने वाला होगा, ये देखिए पक गया है, थोड़ा सा और हम पकाएंगे। तो अब हम आटे को गूंदेंगे। तो आटे को हमने तैयार कर लिया हुआ है, और मुदीन खान ने दोस्तों कमेंट किया हुआ है पालक की दाल बनाइए, तो ठीक है भैया हम बनाएंगे। और किसी ने कमेंट किया हुआ है कि मैदे की भी रेसिपी बनाइए, तो बनाएंगे सब हैं। तो पककर काफ़ी कम हो गया है, तो इस चूल्हे पर हम रख देंगे, धीमी आंच में हल्का हल्का सूखा होगा, जितना सूखा लगेगा उतना ही अच्छा लगेगा देखने में खाने में। तो चलिए इस चूल्हे पर रख देते हैं। इस चूल्हे पर बनाएंगे रोटी, और दाल को हमने उतार दिया है। तो अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले चकई बना लेते हैं। तो सूखा आटा लगाकर हम चकई को बड़ा कर लिए हैं, अब हम चलेंगे रोटी को बेलेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर। तो तावा हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डाल देते हैं रोटी, और दूसरी रोटी को हम बेलते हैं। तो रोटी को हम पलट देते हैं। तो दाल में तड़का लगाने के लिए इसमें तेल हमने डाल दिया हुआ है, और मिर्चा डालकर इसे हम अच्छे से पकने देते हैं। तो रोटी को हम चूल्हे में फुला लेते हैं, वो तो अच्छे से उलट पलट के अच्छे से पकाएंगे। तो रोटी अच्छे से फूल चुकी है, तो घुमा घुमा कर चारों तरफ अच्छे से हम पका लेंगे। तो ए वाली रोटी को हम पलट देते हैं, वैसे सारी रोटी को बनाकर हम तैयार करेंगे, और राख को अच्छे से झाड़ कर देखिए इस थाली में हम रख रहे हैं। तो सब्जी हमारा बन गया, इसे हम उतार दिया है, देखिए एकदम काफ़ी सूखा सूखा दिखाई पड़ रहा है, और आलू भी दोस्तों देखिए एकदम अच्छे सूखा सूखा है। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों सब्जी हमारी बनी है, इसे बाहर भी ले जा सकते हैं, और साथ में दाल के साथ खा भी सकते हैं। तो चलिए हमारा देखिए मिर्चा भी अच्छे से पक चुका है, तो दाल में हम तड़का लगा देते हैं। तो सारी रोटी को हमने बना लिया है, अब हम खाने को परोसेंगे। तो हम चावल चारों थाली में अच्छे से परोस लिया हुआ है, अब हम दाल को परोसेंगे। तो दाल भी हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब हम सब्जी को परोसेंगे। सभी थाली में थोड़ा थोड़ा हम रख देते हैं। अब हम रोटी को परोसेंगे। तो चारों थाली में अच्छे से हमने खाने को परोस लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा सुबह का खाना। खाने में दोस्तों हमने बनाया हुआ है दाल चावल और रोटी, उसके साथ बनाया हुआ है बोड़े की सूखी सब्जी, उसमें आलू डाला हुआ है, और बहुत ही अच्छी दोस्तों सब्जी हमारी बनी हुई है।
तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और पूरा हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, इसके लिए आप लोग ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।